Alright, Joy, what's up everybody? My name is Samyak. Hope you guys are doing great. Well, today I'm doing great as always. So, आज हमारा है day 4 of getting Dominar 400 back in the line. जैसे कि आपको पता है Dominar 400 का इंजन का इशू हो गया था. इंजन टैबलेट्स का अगर नॉइज आ रहा था, हमने इसके लिए बाइक शोरूम में दिया था रिपेयर करने के लिए. दो दिन हम वहाँ पे थे. कंटिन्यूसली हमें दो या तीन दिन लगे. टेक्निकली दिस इज लाइक फोर्थ और फिफ्थ डे, क्योंकि कल जब हम गए थे शोरूम में तब जो टेक्नीशियन था बाइक का वो नहीं आए थे, उनके वजह से काम रुक गया था. तो सर्विस सेंटर वाले जो मैनेजर वगैरह, उन्होंने बोला कि जब वो आएंगे तभी वो काम करेंगे, तब तक काम नहीं होगा. तो कल हम जाके वापस आ गए थे, इसलिए आज जब मैंने उनको कॉल करके पूछा तो बोले कि काम हो गया है, आप आके बाइक ले जा सकते हो. तो आज का सीन यही है कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी जाएंगे बाइक देखेंगे, बाइक की टेस्टिंग करेंगे, थोड़ा उसमें और कुछ चेंजेस करने थे, कुछ और इशू थे वो सॉल्व करेंगे, वो देखना है सॉल्व किए नहीं किए, वो सब सीन करना है. और उसके बाद बाइक को आज फाइनली ऐसे लग रहा है कि लेके आएंगे, क्योंकि कल ऐसे हुआ था हम फुल फ्लैश रेडी होकर गए थे कि बाइक को लाना है लाना है लाना है, एंड एट द एंड कुछ नहीं होता. सो आज होपफुली फिंगर क्रॉस जाते हैं, लेके आते हैं, क्या सीन होता है क्या नहीं देखते हैं और आपको भी बताते हैं. सो लेट्स गो. तो रेडी हो चुके हैं आगे के सफ़र के लिए, बस अभी जाते हैं और डोमिनार खोल लेके आते हैं और देखते हैं क्या सीन होता है कैसे होता है. तो हमने कुछ इक्विपमेंट हमारे साथ में लिया है, ब्रेक पैड वो सब थोड़े बहुत बाइक के ख़राब हो गए थे सो वो सब लिया है, एंड बस यही सीन है. सी यू राइट देयर. इधर साड़ी गड्डी, मैं तब से यार बोल रहा हूँ कुछ कुछ मुझे पता नहीं है, वीडियो अपना चालू ही नहीं था, अभी चालू कर दिया है. साड़ी गड्डी इधर है, कूलेंट लेवल ठीक से दिख रहा है, एवरीथिंग इज क्वाइट फाइन. मुझे ये एक बार चेक करना था, क्लीन विन कर दिया है अपने भाई ने. कितना ब्रो, कितना टाइम लगा दिया तुमने. यदि हाँ इसको थोड़ा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इनके क्लीनिंग का. ये एक मैंने उनको बोला था यार कि ये पूरा ठीक से क्लीन करके दो ये सब चीज़ें, बट क्लीन नहीं हो गया. यानी हाँ बाइक तो नॉर्मल वॉश कर दिया है उन्होंने, तो अभी फ़िलहाल हम इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या सी होता है. तो फर्स्ट स्टार्ट ये फील तो है हमारी गड्डी, तो 3, 2, 1. जब भी आप बाइक लेते हो मेक श्योर दैट आप पूरा चेक करो. क्योंकि फिलहाल यहाँ पे है कि ये नट बोल्ट जो है वो हमको टाइट करते हुए ये टूट गया था, तो इसको हमें चेंज करवाना है. सो अभी इसको चेंज करवाते हैं. सीन ये है नेक्स्ट वाला कि ये न्यूट्रल का मुझे अभी फ़िलहाल नहीं समझ रहा है, क्योंकि आई थिंक सो उन्होंने चेंज किया है न्यूट्रल स्विच, सो उसके लिए कुछ इशू नहीं आ रहा है. सो दैट इज़ फाइन, क्लच इज़ फाइन. अभी टेस्ट ड्राइव लेते हैं और देखते हैं कि कैसे फील हो रहा है. ऑलराइट गाइस, सो फाइनली अपना सब इंस्पेक्शन वगैरह सब कुछ हो चुका है, बाइक हमारे हाथ में आ चुकी है, बिल हो चुका है. बिल क्या हुआ है कैसे हुआ है वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या सीन हुआ है. तो बाइक हमारी यहाँ पे है, हमको सिर्फ करना है अभी फ्यूल अप और टायर प्रेशर वगैरह चेक करना है, दैट्स इट. नॉइस बंद हो चुका है, स्टिल आई हैव सम डाउट्स, सो वो इवेंचुअली कम हो जाएंगे जैसे हम बाइक चलाएंगे एंड ऑल द थिंग्स. ऑलराइट ऑलराइट, सो अपना बाइक अभी अपने हाथ में आ चुका है, तो पहले इसको अपना वाला फील देना बहुत ज़रूरी है. ये इज़ बिन 3 or 4 days यार, मैंने बाइक नहीं चलाया है एंड ऑल द थिंग्स. अभी भी जब मैं टेस्ट ले रहा था तो इट वॉज फीलिंग काइंड ऑफ यू नॉट डिफरेंट. सो फटाफट इसको लगाते हैं बाइक में
एंड देखते हैं, फ्यूल अप करना है, फ्यूल अप करके निकलेंगे। गेट पास हमारा रेडी है और हम खुद भी रेडी है, बस ये भाई साहब भी रेडी है जो कि अभी हो गई है। बाइक स्मूथ लग रहा है एकदम, गियर शिफ्टिंग इज वेरी स्मूथ। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस तो यही मुझे लग रहा है, क्योंकि पहले जब मैं गियर शिफ्ट कर रहा था आई वॉज गेटिंग लॉट्स ऑफ इशू। अभी बाइक का साउंड भी सही सा लग रहा है, स्मूथ है एंड गियर शिफ्टिंग भी स्मूथ हो रही है, विच इज़ नाइस। फिलहाल मुझे हैंडल थोड़ा सा ये वाला ऊपर लग रहा है और ये वाला नीचे लग रहा है, तो लेट्स सी क्या सीन है। अगर आप भी डोमिनर यूज़र हो, क्योंकि मैंने उनको जब पूछा था दे वर लाइक कि ऐसे सिर्फ लगता है बट है नहीं, तो अगर आप डोमिनर यूज़र हो तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दो आपको भी सेम इशू आता है क्या। बताना चाहूँगा, पहले मुझे इंजन वाइब्रेशन बहुत फील होता था लाइक इन फुटरेस्ट एंड ऑल, अभी वो थोड़ा कम हुआ है। ऑलराइट गाइस, सो हम बाइक रिपेयर करके फाइनली घर पे आ चुके हैं। अभी तक बाइक में कुछ भी इशू नहीं आया है, शी इज परफॉर्मिंग रियली वेल एंड स्मूथ। अभी सीन यही है कि उसको थोड़ा आराम से चलाना है, 1000 किलोमीटर का हमारे पास लिमिट है, तभी तक उसको ओवर स्पीडिंग नहीं करना है, कुछ भी सीन नहीं करना है। सो ये सब सीन है, अभी तक कुछ इशू नहीं आया। अगर इन केस कुछ इशू आता है तो आई लेट यू नो बाय मेकिंग अ वीडियो, सो आपको भी अपडेट मिलती रहे डोमिनर 400 की टाइम टू टाइम। ये सब सीन है, अभी फिलहाल उसकी अच्छे से केयर करते हैं, जैसे कि अपने ऑयल वगैरह चेंज किया फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस। सो देखते हैं वो कैसे परफॉर्म करता है, क्या होता है, आपको इसका परफॉर्मेंस और वो सब अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ यू गाइज डिड, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यूजर आईडी इट्स सम्यक अंभोरे। I will see you guys in the next vlog. Till then, stay safe. Ciao.